सेंसिटिविटी। फ्री फायर के अंदर हेडशॉट कौन नहीं मारना चाहता। हर एक प्लेयर जो भी फ्री फायर खेलता है, सामने एनिमी आता है तो उसे हेडशॉट ही मारना चाहता है, क्योंकि अगर आप 10 बॉडी शॉट मारोगे तब जाके वो एनिमी खत्म होगा। बट वहीं पे अगर आप 2 हेडशॉट मार दोगे, एनिमी खत्म। साथ ही साथ रेड नंबर्स देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपके दोस्त, आपके टीममेट और आपकी सेट तो नहीं होगी। वेल, जो भी आपको देखता है वो आपको रेड नंबर्स मारता हुआ देखना ज्यादा पसंद करता है। आपके एनिमी भी अगर आपको देख रहे होंगे, आप हेडशॉट मारोगे तो आपका एनिमी आपको लाइक देके जाएगा। वो बात तो तेरी ठीक है, बट हेडशॉट मारने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करता है वो होता है आपका स्किल। बट आपके स्किल से भी ज्यादा मैटर करता है सेंसिटिविटी, आपकी सेटिंग। ये साला मेरा एडिटर भी ठरकी है। अबे वो सेटिंग नहीं, आपकी फ्री फायर की सेटिंग। चाहे आप किसी में भी फ्री फायर खेलते हो, 2 GB रैम के मोबाइल में, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक के रैम के मोबाइल में, या फिर पीसी, लैपटॉप या फिर कैलकुलेटर, जिसमें भी फ्री फायर खेलते हो, ये वीडियो आपके लिए 110% बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपके हेडशॉट नहीं लगते। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो बेस्ट हेडशॉट ट्रिक फ्री फायर, फिर आपको किसी वीडियो में बताया जाता है कि सेंसिटिविटी को 100 कर लो, 97 कर लो, 125 कर लो। आप कर लेते हो, हेडशॉट फिर भी नहीं लगते। ये समस्या है। इसका रीजन है आपका फोन। अब आपके पास 4 GB रैम का मोबाइल है और जो वीडियो में बता रहा है उसके पास 16 GB रैम का मोबाइल है। जरूरी नहीं दोनों में सेम सेंसिटिविटी वर्क करे। एक 4 साल का बच्चा 1 रोटी खाता है, वहीं एक 16 साल का बच्चा 3-4 रोटी खा लेता है। फर्क है ना। अब ये फर्क समझते नहीं यार। सबको 3-4 रोटी खिलाना चाहते हो, फिर बच्चा रोने लगता है। वैसे ही आपके फोन में बेस्ट सेंसिटिविटी क्या होगा वो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, और आज मैं वही सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग खुद से कर सकते हो। किसी के बताए हुए पे नहीं, खुद से ही कर सकते हो। सबसे पहले आ जाते हैं सेंसिटिविटी वाले सेक्शन में। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्री लुक दिखेगा। सबसे पहले नहीं, मतलब नीचे से सबसे पहले फ्री लुक दिखेगा, तो इसको हम गायब कर देते हैं। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आता है स्नाइपर। ये तब काम आता है जब आप अपने स्नाइपर के स्कोप को ऑन करके एनिमी के ऊपर अपना एम लेके जाते हो। अब यहाँ आपको कैसी सेंसिटिविटी चाहिए, ज्यादा या कम। अगर कम होगी तो एनिमी के ऊपर एम लेके जाते जाते वो एनिमी आपको ऊपर पहुंचा देगा, और अगर ज्यादा हुई तो भी एम ज्यादा ही स्पीड से मूव करेगा और आपको दिक्कत होगी एनिमी पे एम को प्रॉपर लेके जाने में। देख रहे हो कितना स्पीड से मूव हो रहा है। ऐसे में एनिमी के ऊपर लेके कैसे जाएंगे, मतलब अच्छे से बैठा नहीं पाओगे यार। समझ रहे हो ना? इसीलिए फ्री फायर वालों ने भी डिफॉल्ट सेटिंग में इसको 50 किया हुआ है। इस पे हम आगे बात करेंगे। बट उसके ऊपर आता है 4x स्कोप। इसको आप हाई रखना जितना हो सके, क्योंकि ये तब एक्टिवेट होता है जब आपने 4x स्कोप को ऑन करा होता है। तो स्कोप ऑन करने पे हमारा एम जो कि डिफॉल्ट है वो एनिमी के ऊपर ऑटोमेटिक चला जाता है। अब आपको सिर्फ करना रहता है ड्रैग। जितना ज्यादा सेंसिटिविटी उतना अच्छा 4x में हेड। और क्योंकि ये 4x स्कोप है तो ये बहुत ज्यादा जूम होता है, एनिमी के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है, तो ये रिकॉइल ज्यादा करता नहीं है। समझ रहे हो ना। इस पे भी बात करेंगे कि इसको कितना रख सकते हैं क्या। ये तो मैं सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर बस समझा दे रहा हूँ किससे क्या होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। आगे इस पे बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि किसको कितना रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके फोन के हिसाब से कितना आप अपने सेंसिटिविटी को रख सकते हो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने फ्री फायर अकाउंट में बहुत सारे डायमंड्स कैसे ले सकते हो। बस कुछ नहीं करना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना है। आपके अकाउंट में भी भाई आने वाले समय में बहुत सारे डायमंड्स चमचमाते हुए दिखेंगे यार। वीडियो के टाइटल पे जैसे आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुलेगा और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे दबाते ही चले जाओगे आप इस वाले पेज पे। यहाँ पे MS धोनी सर ऐसे एरो करके दिखाएंगे, डाउनलोडेड गेट ₹550 आपको डाउनलोड करने से मिलेंगे। आपको क्या करना है, इसको जल्दी से डाउनलोड करना है एंड उसके बाद जल्दी से इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको खोलते हैं, यहाँ पे फिर से MS धोनी सर के दर्शन हो जाएंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करना है एंड आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर डाल के सेंड OTP करना है। आपके फोन में एक अचानक से कॉल आएगा, कॉल कट भी हो जाएगा। वो लोग बस वेरीफाई करेंगे कि आपका सिम आपके फोन में है ना। बस इतना करके आप हो जाओगे वेरीफाइड। उसके बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पे कुछ बोनस दिखेगा। अगर आपको ये बोनस नहीं दिख रहा है तो एक गेम खेल लेना, कोई भी गेम फ्री वाला या फिर जो भी आपको दिख रहा है वो खेल लेना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे जिस वाले गेम में भी आप प्रो हो, जैसे फ्रूट चॉप हो गया, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी, कुछ भी जितने भी गेम्स आपको दिख रहे हैं आप किसी को भी खेल सकते हो अपने बोनस वाले पैसे से। यहाँ पे जो साइन अप बोनस मिला आपको, एंड आप जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हो मुझे 20 रुपए मिले थे। मैंने 20 रुपए से 212 रुपए कर दिया यार, गेम खेल के। देख सकते हो कितना जीता मैंने यहाँ पे। एंड मैंने इसको इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर लिया और आप देख सकते हो मेरे फोन पे में ये इंस्टेंटली आ गया। अगर आप चाहते हो इसका रिडीम कोड बनाना और डायरेक्ट जाके अपने फ्री फायर अकाउंट में डायमंड लेना, तो यहाँ पे आप रिडीम कोड भी बना सकते हो जितने भी पैसे आपने यहाँ पे जीते हैं। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कमेंट सेक्शन में भी है, डाउनलोड करो यार। फिर उसके बाद आता है 2x स्कोप। ये बिल्कुल 4x की तरह है बट ये उसका आधा जूम होता है, मतलब वो स्कोप आप समझ रहे हो ना। वो स्कोप जब आप ओपन करोगे तो आपका ये सेंसिटिविटी वर्क करेगा। और 2x स्कोप में भाई हेडशॉट एकदम मक्खन लगते हैं, बहुत मस्त वाले लगते हैं। सेंसिटिविटी कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहो वीडियो में बिल्कुल एंड तक। उसके ऊपर आता है रेड डॉट। ये जो होता है ये इनबिल्ड स्कोप जो बहुत सारे SMG गन एंड AR गन्स में होता है, पहले से स्कोप लगा रहता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला जो स्कोप है इसको जब आप ऑन करोगे तो ये वाली सेंसिटिविटी आपकी वर्क करेगी। वैसे इस स्कोप का ज्यादा यूज होता नहीं है, ये ज़ूम इन ज़ूम आउट के टाइम यूज होता है, बाकी इससे उतने बढ़िया हेडवेट नहीं लगते, कभी कभी लग जाते हैं। खैर कोई ना। उसके बाद सबसे मेन जो सेंसिटिविटी है जनरल, जिसका यूज 95% 99% होता है यार। जितना भी इस धरती में बिना स्कोप के जितनी भी गन्स आप चलाते हो, सारी गन्स की जो सेंसिटिविटी होती है, सब चीज आप स्क्रीन मूव कर रहे हो, सब कुछ इस जनरल के अंदर आता है। जनरल की सेंसिटिविटी को आपको बिल्कुल प्रॉपर रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट रखना है आपके फोन के हिसाब से। 110% सभी गन से आप एकदम परफेक्ट प्रॉपर हेडशॉट मार पाओगे। अब चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में। यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे आप खुद से पता कर सकते हो आपके फोन के हिसाब से बेस्ट जनरल सेंसिटिविटी। ये जो एडम खड़े है ना, तो ये आपको ये देखने के लिए नहीं खड़े, या आपको आपकी गेम प्ले, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी सेटिंग करवाने के लिए। अरे वो सेटिंग नहीं यार, मतलब आप समझ रहे हो ना, बस वही आपकी सेटिंग करवाने के लिए, आपके गेम की सेटिंग करवाने के लिए खड़े हुए हैं। जाके 2-3 गन लेना है आपको, शॉटगन, SMG एंड डेजर्ट ईगल ले लेना, और डेजर्ट ईगल से ही तो 1 टैप मारना चाहते हो आप। तुम्हें कैसे पता चला? अब इधर पे आना है एंड प्रॉपर डिस्टेंस। ये नहीं कि शॉटगन लेके एकदम ऑस्ट्रेलिया मतलब दूर चले गए, नहीं भाई, प्रॉपर डिस्टेंस जो होता है शॉटगन से ज्यादातर आप जिस डिस्टेंस से मारते हो एनिमी को, उस डिस्टेंस पे आके खड़े होना है एंड आपको फायर करना है, ड्रैग करना है, आपको हेडशॉट मारना है। अपने अंदर की जितनी भी स्किल्स है सबको निकाल दो, मतलब निकाल के फेंक मत दो, निकालो बाहर निकालो और हेडशॉट मारने का ट्राई करो। अब अगर यहाँ पे आपका एम बॉडी पे चिपक रहा है तो आपको सेंसिटिविटी को 5 बढ़ा लेना है और फिर से मारना है। अब भी अगर चिपक रहा है तो 5 और बढ़ा लो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपका एम हेड से ऊपर चला जा रहा है, मतलब आपका सेंसिटिविटी ज्यादा है, फिर आपको 5 कम करना है। इस प्रकार से 5 ज्यादा या कम करके आप अपने सेंसिटिविटी को बेस्ट कर सकते हो अपने फोन के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से। अब चलो मान लो यहाँ पे आपका शॉटगन से प्रॉपर हेडशॉट लग रहा है, अब आपको यहाँ पे UMP लेना है, उससे भी प्रॉपर डिस्टेंस में जाना है और फिर ड्रैग करना है। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर से जनरल को थोड़ा 1-2 कम, ज्यादा 1-2 कम, समझ रहे हो ना। ऐसे कर करके आप जब आपके तीनों गन से लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, हर जगह से प्रॉपर हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाए, आप समझ जाना आपका बेस्ट सेंसिटिविटी यही है। और आप भाई आपने कर ली सेटिंग, अबे वो सेटिंग नहीं, सेंसिटिविटी वाली सेटिंग कर ली आपने, 5 कम ज्यादा, 1-2 कम ज्यादा कर करके। मतलब अगर ऊपर जा रहा है एम तो सेंसिटिविटी को कम करना, अगर बॉडी पे चिपक रहा है तो सेंसिटिविटी को ज्यादा करना। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा दिया, बहुत कम कर दिया, नहीं, 2-3 करके ज्यादा करना, 2-3-5-6 ऐसे करके ज्यादा कम करके आप अपने सेंसिटिविटी को खुद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड जिस प्रकार से आपने जनरल का सेटिंग किया, इसी प्रकार से आप 2x 4x रेड डॉट को भी आप इसी प्रकार से सेट कर सकते हो। रेड डॉट तो वैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में हो जाएगा, बट 2x एंड 4x के लिए आपको गेम के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जूम होता है। तो वो प्रॉपर जब अच्छे एनिमीज आएंगे, ये डमी वमी के सामने नहीं होगा, अच्छे एनिमीज आएंगे एंड फिर आप ड्रैग करोगे। अगर आपका बॉडी पे एम लॉक होगा तो आप 4x स्कोप के सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देना, अगर आपका एम बहुत ऊपर जा रहा होगा तो आप थोड़ा सा कम कर देना। आई होप आप इस वाले ट्रिक को समझ गए होंगे एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आप अपनी भी सेटिंग कर सकते हो, अपनी नहीं तो कम से कम सेंसिटिविटी की तो कर लो यार। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी सेटिंग नहीं हो रही है सेंसिटिविटी की, प्लीज उनके साथ वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हेल्पफुल, बहुत ही खतरनाक वीडियोस आपको आने वाले टाइम में भी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ विंजो ऐप को डाउनलोड करें, उसमें आप बहुत सारे डायमंड्स ले सकते हो यार। अपने गेम प्ले, आप फ्रूट चॉप या फिर जो भी जिस भी गेम में प्रो हो, उस वाले गेम को खेलने के बाद ही आप वहाँ पे पैसे जीत सकते हो एंड उनसे आप डायमंड्स ले सकते हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। तो हमार जान है रे जान।